डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। गर्मी बहुत है और आज हम सोच रहे हैं कि कुछ शेक्स बनाए जाए। फ्रेंड्स, आज मैं शेक बना रही हूँ, 4 शेक 4 मिनट के अंदर। नीटा आपको बहुत ही पसंद आएंगे, बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं 4 मिनट के अंदर 4 शेक। 4 मिनट में 4 शेक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चीकू शेक। इस तरह से 1 आइस क्यूब, 2 चीकू दूध, ये मैंने आधा ग्लास दूध लिया है, 2 चम्मच डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, बट मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। ये हमने शेक बना लिया है, इसे बनाने में आधा मिनट लगा है। 2 आइस क्यूब्स डाले हैं इसमें। अब हम बनाते हैं दूसरा शेक। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। 1 हमने आइस क्यूब्स डालिए, 1 बनाना, आधा ग्लास दूध। आप इसके अंदर शहद भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना शेक के अंदर शहद यूज़ करो तो बहुत ही अच्छी लगती है, इससे इसके कलर बहुत अच्छा आता है और वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी होती है। शहद डालिए तो हम शुगर कम डालेंगे। मैंने ये 1.5 चम्मच डाला है। ये हमने ब्लेंड कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस मैंने रखे हैं बीच में, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। इसी तरह से तीसरा शेक, 1 आइस क्यूब मैंगो, 2 चम्मच शुगर, ये आधा ग्लास दूध। हम डालेंगे आइस क्यूब्स और नेक्स्ट हम बनाएंगे, ये हम इसके अंदर डालेंगे दूध। ये हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा, ये नियर अबाउट मैं 1 ग्लास के अंदर 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालूंगी। इसमें शुगर कम डालेंगे क्योंकि रूह अफ़ज़ा बहुत ही मीठा होता है, फिर भी आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच डाला है। डालेंगे आइस क्यूब्स और ऊपर से डालेंगे शेक। आप चाहें तो आप ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारे 4 मिनट के अंदर 4 शेक तैयार है। आपने देखा है इनको बनाना कितना इजी है, बिना आइसक्रीम के हमने ये शेक बनाए हैं। अब हम इसे हल्का सा डेकोरेट करेंगे। ये हमने रूह अफ़ज़ा लिया 1 बाउल के अंदर और ये हल्का सा हमने इस तरह से रूह अफ़ज़ा डाल देना है इसके ऊपर। आप चाहें तो आप गार्निश किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। और ये मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता है। ये हम थोड़ा थोड़ा गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट रखेंगे। देखा ना आपने, बिना कोई झंझट किए, बिना कोई मेहनत किए कितने आसानी से हम शेक्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये शेक बनके तैयार हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, सिर्फ 4 मिनट के अंदर 4 शेक तैयार। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक you.